देव हाय करो। दोस्तों नमस्कार, देव कुमार लिटिल ट्रेनर की इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको दोबारा से स्वागत करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से बुक्स के साथ अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए हमारे लिटिल ट्रेनर लिटरेस्ट बेबी को। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने बेबी को ये चौक वाली जो स्लेट होता है इस स्लेट को दें या हम दें पेंसिल को, जो हमारा पेंसिल है। हाँ, ये पेंसिल है। देव आपको क्या पसंद है, ये आपको ये स्लेट पसंद है या कॉपी पसंद है? क्या पसंद है आपको? कॉपी पसंद है, स्लेट नहीं पसंद है आपको? क्यों? अच्छा, इस पे लिखना, लिखो तो कैसे लिखते हैं आप? गलत हैंड से, उस हैंड से लिखिए। अच्छा वाला हैंड कौन सा है? हाँ लिखिए। देखिए स्लेट इस्तेमाल करने के दो फायदे। देखिए ये जो चॉक्स है, ये चॉक अपने हिसाब से छोटे, जो चॉक आप देख रहे हैं इसको हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा और बेबी के फिंगर के बीच में फंसने लायक बनाया जा सकता है। अगर मोटा है तो उसको घिस के छोटा किया जा सकता है। लेकिन अगर हम पेंसिल की बात करें तो पेंसिल, अब देखिए 2 साल का बच्चा है और अपना हैंड दिखाना, अपना यहाँ हैंड दिखाओ। अब इतना छोटा हैंड है, इतने छोटे हैंड में पेंसिल क्या ये क्या बोलते हैं उसको कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देख इस पर लिखना कुछ, देखिए नहीं नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। सही से लिखो, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के लिखो, इस तरह से, इस हाल में पकड़ो। नहीं ये गंदा आता है, ये सही आता है। देखिए मुश्किल है ना, नहीं लिख पाएगा। तो इसीलिए मेरी जो रिसर्च कहती है कि बेबी को स्टार्टिंग में हमें चौक और ये जो ब्लैक बोर्ड वाली स्लेट होती है, लोग आम भाषा में स्लेट कहते हैं, ये देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे इजीली इसको रफ किया जा सकता है। दूसरा, ये चॉक इसके बेबी के हाथ में इजीली आएगा, जिस कारण से वो लिखने में कंफर्टेबल्स होंगे। इजीली इसको हम इसको पढ़ेंगे, बता तो रहे हैं, इजीली हो सकता है। अब शुरुआत में जब बेबी को, अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में हम अल्फाबेटिक्स और लेटर्स के ऊपर हम बोलते हैं लिखो, लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शुरुआत में लेटर का उतना कंट्रोल नहीं होता है, मतलब कि इसके ऊपर, हैंड के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए उनको सिर्फ लाइनिंग घींच लेने के लिए बोलो। देव यहाँ पे लिखो, पापा का नाम लिखो, बड़े पापा का नाम लिखो, बड़े पापा का नाम लिखिए ना आप, और नाना जी का नाम लिखिए। क्या है नाना जी का नाम? अनिल सिंह। बड़े पापा का नाम क्या है? बड़े पापा का नाम, बड़े पापा का नाम क्या है? अजीत सिंह। बड़ी मम्मी का नाम क्या है? पिंकी देवी। मम्मी का नाम क्या है? लिखते रहो, लिख लिख के बताओ। सृष्टि सिंह। दादाजी का नाम क्या है आपका? नवल सिंह। बड़े भाई जी का नाम क्या है? नमन भाई जी। है तो ऐसा लिख के दिखाओ ना आप। देखो आपको पता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको यूट्यूब पे। हाँ तो फटाफट लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ। किसका नाम लिखा, किसका नाम लिखा? नमन भाई जी का नाम लिखा। नानी जी का नाम लिखो। तो शुरुआत में जितना हो सके हम लाइनिंग करेंगे तो उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि बेबी को हाथ में पेंसिल का जो अब चौक का है कंट्रोल आना चाहिए। देव नहीं, पैर नहीं लगाते हैं, पढ़ाई भगवान होते हैं। और दूसरी चीज, हाँ संस्कार भी देना है, क्योंकि किताब और कॉपी को पैर ना लगाए। एक मिनट देव, गंदी बात, जय करो जल्दी इसको। हाँ जय की, दोबारा से जय करो। कभी पैर नहीं लगाओगे ना? हाँ नहीं लगाना,
ठीक है, ये सब मोरल होते हैं ताकि रिस्पेक्ट हो पढ़ाई के प्रति कि हाँ ये अच्छा काम है, अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ भी है, और हमेशा बेबी को पढ़ाने से पहले साफ सुथरा करके पढ़ाए, जैसे पूजा में बैठाते हैं। और ऐसा इस सब चीज़ों करने से क्या होता है कि आपकी बेबी को स्टडी के प्रति अच्छा लगाव होता है। और हाँ, जब भी उनको पढ़ने के लिए बैठाए तो इस तरह से उसके स्टेशन को, एक तो आप उसको कुर्सी और चेयर फिलहाल ना दें क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि बेबी को स्पेस चाहिए। जैसे मैंने अपने बेड के ऊपर जो है बेबी का पूरा सामान, यहाँ बैग है, यहाँ वाटर है, बुक्स है, नोटबुक्स हैं, स्लेट है, चॉक है, इसका यहाँ टिफिन भी है, इसका हैंकी भी है, ये पूरा मैंने अच्छे से रिक्रूट करके फिर इसको बैठाया हुआ है। इससे क्या हुआ, फिलहाल शुरुआत में 5-6 महीने जस्ट स्टडी का हैबिट कि भाई स्टडी के लिए उनको बैठना है, वो स्टडी का हैबिट लगाइए। तो आज का टॉपिक ये रहा कि पेंसिल और कॉपी से आप अपने बच्चों की स्टडी स्टार्ट ना करें, क्या यूज करें, स्लेट, चॉक एंड स्लेट का इस्तेमाल करें। उससे आपके बेबी को पेंसिल पे कंट्रोल आएगा और लेटर्स को लिखना शुरू करेंगे, राइट बेबी? बाय करो सबको, बाय बाय, लो लो, सी यू टुमारो, अगली वीडियो में हम मिलेंगे। आप बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, नहीं प्रणाम करके बोलो सबको कि प्लीज सब्सक्राइब करें, बोलो बोलो देव, बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए रूठ गया है बच्चा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, और इसमें और नए नए इसी तरह से बेबी के ऊपर एक्सपेरिमेंट और स्टडिकल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।